शायद कहीं खो गया हूं मैं या भूलने लगा हूं मैं अपने आप को। पता नहीं मुझे कहां ले जाएगा ये मन के भीतर का सूना बिखरा और नम सा हो गया है जो अकेला रास्ता। पता नहीं मुझे। दीपक, कब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के खड़े रहेंगे? चल आज संडे है, मूवी का प्लान करते हैं फैमिली के साथ। एक संडे ही तो है जो टाइम मिला वो अपना, ना जाने कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए। यार श्रुति का कॉल आया था, बहुत ही परेशान लग रही थी। देख अगर तेरा ऐसा ही चलता रहा तेरा तो सर्वाइव करना मुश्किल ही हो जाएगा, लेकिन जरा आयुष और श्रुति के बारे में सोच, वो ये सब कैसे झेल पाएंगे। रिलैक्स दीपक, ये सब होता ही रहता है। हम आखिरकार डॉक्टर है, हम इंसान ही तो हैं। जो कुछ हुआ वाज़न्ट रॉन्ग पवन, मेरी कोई गलती नहीं थी। दीपक आई नो दैट आपने पूरी कोशिश की थी, बट जो हुआ भूल जाओ आगे बढ़ो। Before you ask any questions, let me clear the facts. मंगलवार 10 अक्टूबर को हमारे हॉस्पिटल में जो घटना हुई, that was really unfortunate. मिस्टर अंसारी के नवजात शिशु की डिलीवरी के कुछ देर बाद मौत हो गई। हम अंसारी पति पत्नी और उनके परिवार के दुख को समझ सकते हैं। मिसेज अंसारी की कंडीशन एडमिशन के टाइम क्रिटिकल थी एंड सर्जरी वॉज अ कॉम्प्लिकेटेड वन। इसके बारे में मिस्टर अंसारी को पूरी जानकारी दी गई है। This is his written informed consent. Dr. Deepak Kumar ने एक डॉक्टर और इंसानियत के नाते पूरी कोशिश। उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने में कोई लापरवाही नहीं दिखाई है। ये सब जानते हुए भी अंसारी परिवार ने हॉस्पिटल में जिस तरह से हंगामा किया है वो बहुत ही शर्मनाक। हम डॉक्टर दीपक कुमार पे किए गए इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं और हमारा हॉस्पिटल उनके साथ पूरी तरह से खड़ा है। थैंक यू। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। दीपक आज का दिन बहुत हेक्टिक था। पता है आज आयुष के स्कूल में भी गई थी, टीचर की इतनी डांट पड़ी है। आई वॉज फीलिंग सो ऑकवर्ड। दीपक मैं तुमसे बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी, क्या बोल रही थी? बस यही कह रही थी कि आई एम ऑलवेज विथ यू। मेरे बच्चे को इसने मार डाला। के पिल्ले
सर आज पांचवा दिन है। दीपक ना ठीक से कुछ खा रहा है ना सो रहा है सर। मुझे बहुत डर लग रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। मुझे डर लग रहा है कहीं दीपक को कुछ नहीं। दीपक को कुछ नहीं होगा सर। क्या मैं मिस्टर एंड मिसेस अंसारी से पर्सनली बात करूं? नो, मामला और खराब हो सकता है। दे ऑल हैव बिकम वेरी अग्रेसिव नाउ। क्या डॉक्टर दीपक से मैं कल क्लिनिक में मिल सकता हूँ? नीड टू टॉक टू हिम वेरी प्रैक्टिकली। ओके। दीपक, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हें यहाँ बुलाया है, इट डजंट मीन दैट एक्चुअली तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। तुम एक खुद डॉक्टर हो। वहाँ जो भी हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तुम्हें अच्छे से पता है। सिर्फ आर यू टॉकिंग टू मी एज अ डॉक्टर और फ्रेंड? नो दीपक, लिसन टू मी केयरफुल माई फ्रेंड। डॉक्टर होना जितना प्रेस्टिजियस है उतना ही सेंसिटिव भी है। अगर कोई बीमार आदमी हमारे सामने बैठा रहता है तो हमारे पेशेंट पहले रहता है। हमें उस आदमी से पहले उसकी बीमारी से कनेक्ट होना पड़ता है, उसे समझना पड़ता है। दैट्स व्हाट डॉक्टर्स डू। अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाए तो जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। डॉक्टर दीपक, तुम्हारे 10 साल के कैरियर में पहली बार हुआ है, दैट्स व्हाई यू आर सो डिप्रेस्ड। इसलिए तुम दुखी हो यार। आपको पता है ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जिन्हें खुद से ज्यादा आपके ऊपर भरोसा है, आपकी काबिलियत पे भरोसा है। माय फ्रेंड, जस्ट गेट अप, गेट रेडी, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड ट्रस्ट ऑन योर वाइट कोट। मुझे पता है मेरे हाथ किसी चिड़िया का घोंसला नहीं तोड़ सकते, लेकिन वक्त की बाढ़ आए तो पांव मेरे भी कांपते हैं। लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहूंगा, जमा करता रहूंगा एक एक करके किसी के ख्वाहिशों के बादलों को, और जब भी बरसेगी किसी पर दुख दर्द की बारिश, मैं उस हर मौसम मौजूद मिलूंगा। एक सफेद कोट पहनकर, बस कोई आंसुओं से भीग न जाए, इतना सा ख्वाब लेकर मैं मौजूद मिलूंगा, यही कहीं आपके आसपास मैं मौजूद मिलूंगा, मैं मौजूद मिलूंगा। पिछले 10-12 दिनों से डॉक्टर दीपक कुमार केस में जो कुछ भी हुआ है वो आप सब देख चुके हैं, लेकिन आज जो हुआ है उसने हम सब की आंखें खोल दी। मोहम्मद अंसारी, जिन्होंने अपने नवजात शिशु को खोने पर 10 अक्टूबर को इसी जगह पे डॉक्टर दीपक कुमार पे हमला किया था, वही अंसारी आज उसी हॉस्पिटल की चौखट पे फिर से खड़े हैं। डेस्टिनी इज येट टू कम। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोहम्मद अंसारी जी की पत्नी नाज अंसारी, जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, आज उनको दूसरी जिंदगी मिली है। उनका ऑपरेशन अभी अभी कुछ मिनटों पहले सक्सेसफुल रहा है, और उनका ऑपरेशन करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर दीपक कुमार थे। डॉक्टर दीपक कुमार इस शहर के काफी जाने माने और काबिल डॉक्टरों में से एक है। हम सबको उन पे नाज है। मैं दीप्ति, कैमरामैन सुभाष के साथ, न्यूज रूम से। लेकिन किसी मोड़ पर फिर मुड़कर नई रोशनी की ओर मैं चलता चलूंगा। मेरे सांसों की चाहतों का एक नया सफर।